हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एसएससी एमटीएस की क्लास में। आज की एमटीएस के क्लास में दोस्तों हम जीके जीएस के टॉप प्रश्न करने वाले हैं और इस बार हमारा टारगेट है एसएससी एमटीएस के जीके जीएस सेक्शन में 75 में से 75 नंबर लाने का। बन गया है पूरा पेपर, अभी सारे के सारे क्वेश्चन रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वही प्रश्न कराता हूँ जो पेपर में आते हैं और परीक्षा जो तिथि आपकी वो अक्टूबर से आपकी परीक्षा शुरू है, इसलिए बिना देरी करते हुए सभी के सभी एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए अगर आप रोज़ाना एसएससी एमटीएस की ऐसे ही क्लास देखना चाहते हैं तो। और जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा सारे के सारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज़ द इंडियन म्यूजियम लोकेटेड? देखिए, जो भारतीय संग्रहालय है ये आपके पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, जो रेशम है ये आपके बॉम्बेक्स मौरी से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट मैंगो? तो देखिए, आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन की बात करें वो हर बार एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द बुक फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड्स। तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? देखिए, जो नियाग्रा फॉल्स है ये किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो कौन सा आंदोलन संबंधित है नील की कृषि से? तो ये है चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? वो रोट द सॉन्ग एकला चलो रे। तो देखिए, जो एकला चलो रे गीत है ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइबर टू द परमिशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जगह है? देखिए, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए जो प्रसिद्ध जगह मानी जाती है वो मानी जाती है लखनऊ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, लखनऊ इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडकी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो वेयर डज द अलकनंदा एंड पिंडकी रिवर्स मीट? तो इनका जो संगम है ये आपके करण प्रयाग में होता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेट का एक विश्व धरोहर स्थल है, किसके लिए इसे जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर्स के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान को सरकार के लिए निर्देशों का साधन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को, जिसे DPSP कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन थी? वो वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर। तो कौन थी? तो ये थी आनंदी गोपाल जोशी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क का अत्यधिक विकसित हिस्सा है? तो कौन सा हाईली डेवलप्ड पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का? तो ये होता है प्रेमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो देखिए, जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये एग्जाम्पल है द्रविड़ शैली का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित एक
डैश दैनिक था, तो ये दैनिक था उर्दू का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र डैश में समृद्ध है, तो ये किस में समृद्ध माना जाता है? तो ये समृद्ध माना जाता है लोह खनिज हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह समुद्री जल द्वारा संक्षारित नहीं होती? तो वह कौन सी धातु है जिसका उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है? तो नाव बनाने हेतु टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क? तो ये काम करती है पास्कल के नियम पर, पास्कल स्लो पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का परिणाम है, तो ये है सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इसे स्टार्ट किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था राजेश चपलोत को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है प्लूटोनियम 238 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख नहीं किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट का एक अयस्क है, तो ये यूरेनियम का एक अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, नृत्य रूपों का पहला औपचारिक पाठ्य नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, जो नाट्य शास्त्र है इसे लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हंगल इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क? तो ये आपके दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी, कैपिटल ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? आइजोल। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, गोवा की राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की राजभाषा है कोंकणी, तो कोंकणी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ISS का मतलब क्या है? तो ISS का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन K2 पर चढ़ने वाली दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है? तो कौन बन गए हैं? तो ये बन चुके हैं शहरोज काशिफ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फुटबॉल में CONCACAF गोल्ड कप 2021 जीता है? तो ये जीता गया USA यानी कि अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है, ECE का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECE? तो ECE की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन पहली बार वीना में आयोजित किया गया था? तो इसे आयोजित किया गया था जून 1993 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक संकेत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में भौगोलिक संकेत अधिनियम पारित किया गया 1999 में। अगला क्वेश्चन है, चंद्र अपू शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी से सबसे दूर चंद्र कक्षा में बिंदु। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया कहाँ स्थित है। देखिए बात करते हैं वेस्टफेलिया की, तो ये आपके जर्मनी में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोपला विद्रोह है 1921 में हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो 1921 है, ये आपके मराठवाड़ा में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अगला क्वेश्चन है, आईएमबैक्स निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और म्यांमार के बीच है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में लिथियम त्रिभुज शामिल है। तो ये है ऊपर के सभी में, यानी कि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केवाईसी का मतलब बैंकिंग और व्यवसाय के लिए क्या है। व्हाट इज़ केवाईसी स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस। तो ये है नाउ योर कस्टमर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो गोल्डन बॉल जो पुरस्कार है, ये फुटबॉल के खेल में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख में राष्ट्रपति के प्रलब्धियों और भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया आर्टिकल 59 के भाग 3 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वास्तव में नकद शेष को बनाए रखने में बैंकों की निगरानी करता है। तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मानवाधिकार के लिए ग्वांगजू पुरस्कार देता है। तो कौन सा देश देता है, तो ये जो पुरस्कार है वो साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया देश के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालीमंतन निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो ये आपके इंडोनेशिया का हिस्सा है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है, तो ये है 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत हमजा नदी निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है। तो ये अमेजन नदी के नीचे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान निम्नलिखित में से किसका मंत्री परिषद था। देखिए बात करते हैं अष्ट प्रधान की, तो ये मराठा प्रशासन का मंत्री परिषद था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन पद से इस्तीफा देने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो ये थे रिचर्ड निक्सन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आज की।